अल्लाह। यहाँ पर आके बिल्कुल रिलैक्स हो गया। शारजा में अपने कदम जमा रहे हैं। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अबू नीचे सारा सामान, नीचे सबको सारा सामान भिजवा दिया, बस हमें नीचे जाना है। और मेरा पीछे मेरा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा है, उसको मुझे लेके जाना है। आ जा भैया, आपकी फ़्लाइट है 10:30 बजे की और यहाँ से निकलते निकलते भी 8 बज जाएंगे, तो 2 घंटे पहले तो पहुँचना बनता है, तो इसलिए बस हम फ़ौरन से निकल रहे हैं क्योंकि लेट ना हो जाए। आपको दुबई चलना है? जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर दुबई चले हम लोग। नहीं नहीं चलना, जल्दी बताओ या हम जाए, हम जाए। चलो हम जा रहे हैं, सही है। चलो जी भाई। अभी सबसे ज़्यादा डर पता है क्या लग रहा है? कि बस इजहान तंग ना करे, बाकी मामला तो मैं देख लूँगा। क्योंकि ये तंग करने में आया ना जब ये, तो फिर मुझे ऐसा पकड़ना पड़ेगा और फिर बाकी सारे काम करवाने पड़ेंगे। चेक इन तक का सीन है ना, जो पूरी बोर्डिंग वाला सीन है, तो वहाँ तक जो सीन है ना उसमें तंग ना करे बस, ये बाकी खैर है। हाँ भाई, कहाँ जा रही हो? ये सारे इजहान के ही बैग हैं। वो अम्मी लेकर आ रही है, वो इजहान का स्टॉलर है, तुम लेकर आ रही हो इजहान का बैग ही, और मेरे पास तो पूरा इजहान ही है। मतलब सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो सारा सामान है वो सब इजहान का है। अम्मी स्टॉलर लेकर आ रही है, वो इजहान का है। लाइबा बैग लेकर आ रही है, वो इजहान का है। मेरे पास खुद इजहान है। चलो अम्मा, लग गया था, आप भी दुबई चलो। हैं, चल रही हो? ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जैद भाई अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं। क्या बात, बाबा से अप्पा ले लो जल्दी से, इजहान बाबा से अप्पा ले लो। शाम में हम घुमा देंगे आपके बदले इसको, शाम में 4 से 5 घुमाते हैं ना इसको, हम घुमा देंगे इजहान को। ट्रॉली ला रहे हैं भाई, एयरपोर्ट आ गया, अब यहाँ पर उतर के ट्रॉली ले। चलो जी सामान उठाएं। इजहान को भाई स्टॉलर पे लिटा दिया है, इजहान की किस्त हो गया है। थोड़ा सा मालूम ले लेते हैं कि जैद भाई से पूछ लेते हैं किस तरह से प्रोसेस होगा, थोड़ा सा गाइड करेंगे जैद भाई। किसी को कुछ मैसेज भिजवा रहे हैं? प्यार करना आ रहा है, सबको प्यार करना। शायद मामू को कोई मैसेज भिजवा रहे हैं? सही है भैया, मुलाकात करते हैं अल्लाह मालिक। अभी चेक इन करते हैं, जाते हैं और फिर सारे मामला क्लियर करने के बाद मिलते हैं। A few inches later, भाई जान सारे मामला हो गए, बस इमिग्रेशन रह गया। एक इमिग्रेशन हो जाए तो बाकी डन हो जाएंगी चीज़ें। एक जहाज ये खड़ा है जो कि हमारा नहीं है, हमारा जहाज अभी थोड़ी देर में लग जाएगा। बट हमारा इजहान गुड्डा यहाँ पर आके बिल्कुल रिलैक्स हो गया, कुछ ही देर में हमारा भी नंबर आ जाएगा, जहाज लग जाएगा जब, तो उसके बाद सीन ऑन शुरू हो जाएगा। अच्छा भाई, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्ट्रॉलर ना हम लोग जहाज के अंदर तक ले जा सकते हैं, अंदर से आने के बाद फिर हमसे वो ले लेंगे। भाई देखो, इजहान ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि ये जो जितना बड़ा जहाज जा रहा है या जितने पैसेंजर हैं सबका सफ़र ख़राब करने की, इजहान ने ना पूरी प्लानिंग कर ली थी। फिर इतने में लाइबा के अंदर आइडिया आया, इसने बोला यार क्यों ना इसका पेम्पर देखा जाए। हम लोगों ने जब इसका पेम्पर देखा तो ऐसा देखा कि देखने के काबिल नहीं था, वो सिर्फ हमने ही देखा और बड़ी मुश्किलों से साफ़ करवाया। मैं तो फिर भी साइड पे हो जाता हूँ, पर सारी मेहनत इसको करनी पड़ती है। पर इजहान तुमने सबका सफ़र बचा दिया, हमारा भी सफ़र, वरना हमारे भी ना सारे कपड़े जो है ना ब्राउन ब्राउन हो जाते भाई। वाली हमारी सीट है साइड पे, किसी और की रिजा पे है, तो इसलिए लाइबा यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, इजहान इधर है। अब वो बताएंगे अभी कि इजहान को किधर बिठाएं, गोदी में बिठाएं या नीचे रखें, सेफ्टी पर्पज़ के लिए अभी ये सब चीज़ें करवाएंगे। मेरा अभी फुल हो रहा है जहाज, आहिस्ता आहिस्ता 7 मिनट के बाद इंशाल्लाह टेक ऑफ करेगा। 2 विंडो सीट है भैया हमारे पास, एक नहीं है, 2 हैं। कहाँ से देखोगी, यहाँ से देखोगी, वहाँ से देखोगी, तुम यहाँ से देखना, ये इजहान को दे दूँगा। निकाल दिया इजहान आपने। इजहान सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए, किस तरह बेल्ट लगाना है, किस तरह जाना है, किस तरह आना है, सब चीज़ें पढ़ो 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 पढ़ो, आप कैरी ऑन करो, आप कैरी ऑन करो। खिड़की से बाहर हाथ नहीं निकालना इजहान बेटा। इजहान ने विंडो सीट ले ली, और सीट भी कौन सी ली है जहाँ पर हमें मील मिलेगी, वो वाली सीट ले ली है इजहान ने। सबसे मेन इजहान को विंडो सीट मिल गई है, पता है आपको, हमें 2 विंडो सीट मिली है, एक विंडो सीट, दूसरी विंडो सीट। मील हमारी आ चुकी है, लाइट ना लगे पर इजहान सो चुके हैं, सही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इजहान सो चुके हैं। इजहान की नींद हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये खाना तो बाद की बात है। 11:40 हो रहे हैं, तकरीबन 11:50, मतलब 10 मिनट इनके मुताबिक
और 20 मिनट हमारे मुताबिक ये लैंड कर जाएगा जहाज। लाइबा की डील और मेरी डील दोनों सेम है, रिजान सो रहे हैं। कैसा है? अच्छा है। चलो जी इंजॉय करते हैं। सब सो गए भाई, मैं उठा हूँ। शारजा अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। जी भाई जी, निजान की यहाँ पे सबसे दोस्ती हो गई है। शारजा में अपने कदम जमा रहे हैं। आ जाए मेरा बच्चा, आ जाए बच्चा। एग्जिट एरिया में बैठे हुए, सामने ही एग्जिट एरिया है। अफान भाई का वेट कर रहे हैं। अफान भाई कह रहे हैं जिस टाइम पे मैं फ़ोन करूँ उस टाइम पे बाहर निकलना है, क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अफान भाई का वेट कर रहे हैं हम, और हम अपने सारे प्रोसेस क्लियर करके बैठे हुए। बस शारजा एयरपोर्ट से बाहर निकलना है। इजहान भी थोड़ा तंग करने लगा है, सामान वामान सारा आ गया यार, बहुत तरीके से एकदम सामान आ गया। बस हमारा सीधा सीधा लाइन हुआ है और हमारे पास सारी चीज़ें आती रही हैं, मतलब कोई भी लंबी नहीं हुई किसी भी किस्म की चीज़ों में ना, किसी भी हाँ मसला नहीं हुआ किसी भी किस्म का। सही रहा, नींदें पूरी करके सुकून से हैं। 2 घंटे की फ़्लाइट में तुमने 4 घंटे की नींद पूरी करी है। इजहान ने भी माशाल्लाह नींद पूरी करके 5 मिनट 10 मिनट तक तो मेरे कंधे में दर्द हो गया था तुम्हें। अफान भाई का वेट कर रहे हैं, जैसे फ़ोन आता है ना फिर आप, मैं एक्साइटेड हूँ आयरा से मिलने के लिए। मेरी जान यार, हमारे फूड पांडा वाले भाइयों, ये अभी दुबई में आप चेक करो राइडर मिनिमम जो बाइक है वो ये है। यहाँ पर खुशी ये देखकर हो रही है कि यहाँ पर बाइकें चेक करो आप। वहाँ पर अभी सोच सोच के थक गया यार, काश सुजुकी 150 तो ले ही ले। अपना इस कसम से सोच सोच के थक गया। ये भी होंडा है भाई, ये भी होंडा है। होटल नंबर 502 में हम जाते हुए, ए भाई वाओ यार वाओ भाई, ये तो जबरदस्त हो गया भाई। इजहान की तस्वीर भी लगी हुई है यहाँ पर। मौसम 92 वापसी नहीं आ रहा है, ये 2022 है भाई। ये जो लोग बोल रहे थे 92 वापसी आ रहा है। अफान भाई ये मैं बोल सकता हूँ कि मैं भी इतना दूर आया पैसा खर्च करके मैच देखने के लिए और पाकिस्तान हार गया। 92 में MCM थी, ये दवा नहीं है, ये है मेन मसला। बाकी सारी चीजें सेम थी, MCM की कमी थी बस। MCM नहीं है दवा। मामू क्या हो गया? पाकिस्तान हार रहा है। तो ये हो रहा है, सारे इंडियंस इंग्लैंड की टिकट पहन के वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ भी हो, हार हो जीत तो मीठा तो खाएंगे हम भाई। 8 बॉलों पे 1 रन हम ऑलमोस्ट क्या सारे मोस्ट हार चुके हैं। बट अक्साफी की बात सही है कि हमारे पाकिस्तानी क्राउड की एक बात अच्छी है कि ग्राउंड छोड़ के भागे नहीं है, और इंडिया की एक बात बहुत बुरी है कि उनके सारे आज ग्राउंड में बैठे हुए। बस 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 ये विनिंग, ओहो भाई इतनी जल्दी नहीं दे रहा पाकिस्तान। पर ये बात इंग्लैंड को भी पता है, अगर ये पाकिस्तान 170 बनाता ना, इनके बस की बात नहीं थी। जान एक बर्थडे आपने पाकिस्तान में सेलिब्रेट करी, अब दूसरी कर रहे हो आप दुबई में। आज तीनों के तीनों बर्थडे, 2 बर्थडे बॉय एक बर्थडे गर्ल, यू बर्थडे गर्ल, आप उससे पहले आपको दिखाऊं ये गिफ्ट है ना इजहान का, ये इसकी अनबॉक्सिंग कर रही है आयरा। कम ऑन आयरा, कम ऑन। वाओ यार जबरदस्त। ये वाला केक है और आप सपने खा लिए, मेरा खाना रह गया। पर भाई बर्थडे एंड हो गई, माशाल्लाह जबरदस्त सीन था। Many months later. रात को इतना थक गया था बर्थडे सेलिब्रेट करके, उसके बाद जब मैच हार रहा पाकिस्तान तब तो और ज्यादा दिल खराब हो गया। पर माइंड डाइवर्ट करने के लिए ना यहाँ वहाँ काम वाम में लग गए, बच्चों के साथ लग गए, और वीडियो एंड करना मैं बिल्कुल भूल गया था। तो वीडियो मैंने सोचा सुबह सुबह उठ के एंड करते हैं वीडियो, और आज से सेकंड डे हमारा स्टार्ट होगा। तो थोड़ा बार बार जाएंगे, देखते हैं क्या माहौल है यहाँ पर। एक्साइटेड हूँ मैं भी देखने के लिए कि भाई बाहर निकलेंगे, शूट होगा, थोड़ा सा मज़ा आएगा, घूमेंगे, तो मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। तो वीडियो यहाँ तक कर रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, नहीं भी पसंद आए तो कर दो यार, कभी ना कभी तो पसंद आ ही जाएगी आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए। आज किसकी बर्थडे?
आयरन आयरन निजान आयरन निजान